इंडिया में यामा कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कुछ समय पहले, दैट इज डीलरशिप इवेंट। एंड उस इवेंट पे उन्होंने शोकेस किया था यामा की MT-15 अपडेटेड मॉडल। साथ में कंपनी ने शोकेस की थी दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, दैट इज यामा E01 एंड यामा की नियोस। दोनों ही काफी अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत पसंद है। एंड अभी तक जो ह्यूमर्स आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि यामा जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा वो दोनों, जो E01 है और जो नियोस है, दोनों में से कोई एक गाड़ी सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करेगा, उसके बाद जो भी उनको लॉन्च करना होगा वो लॉन्च करेंगे। बट अभी तक ह्यूमर्स यही चल रहे थे, लेकिन रिसेंटली एक ह्यूमर्स ये आया कि यामा की जो EMF है, जो नई की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो इन्होंने डेवलप किया है, और ये ताइवान में डेवलप किया है, और ये जो डेवलप की गई गाड़ी है यानी EMF जो गाड़ी डेवलप की है, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और कोलैबोरेशन किया गया है गोगोरो के साथ फॉर देयर स्वाइपिंग सिस्टम के लिए। एंड ये कोलैबोरेशन के बिना अगर ये गाड़ी लॉन्च करते हैं तो इनको खुद का ही एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, खुद की एक बैटरी डेवलप करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद जाके ये सक्सेस हो पाएंगे ताइवान जैसी जगह पे। तो कंपनी ने सोचा इट्स बेटर जिनका ऑलरेडी नेटवर्क है बैटरी का, यानी कि गोगोरो का ऑलरेडी नेटवर्क है ताइवान में, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये गाड़ी डेवलप की गई है। यानी कि यामा की गाड़ी तो पूरी है बट इसके अंदर जो बैटरी है दैट इज गोगोरो, और उसी के स्वाइपिंग स्टेशन पे जाके बैटरी को अब स्वाइप करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से इस गाड़ी को डेवलप किया गया। हालांकि ये गाड़ी यानी कि EMF इलेक्ट्रिक स्कूटर यामा की, ये बहुत ही एग्रेसिव लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यस, इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यहाँ पे EMF में तीन कलर ऑप्शन है, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। साथ में अगर इस व्हीकल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल LED हेडलाइट मिलता है, वो भी फ्रंट एप्रोन में। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है दैट इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि हमारे इंडिया में आजकल थोड़ा एडवांस चल रहा है, TFT देखने मिलता है, बट यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है यामा की इस गाड़ी में। और अकेली इस गाड़ी में नहीं है, इसके साथ साथ अगर यामा की E01 देखते हो, यामा की नियोस देखते हो, इन सब में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन ही प्रोवाइड की जाती है। हालांकि जो बैटरी है उसमें परसेंटेज शो करता है, बार्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर होता है परसेंटेज वाला पार्ट। यहाँ पे जो टेल लाइट है वो भी LED है, और यहाँ पे जो सीट है वो सिंगल सीट है, यानी स्टेप अप नहीं है या मैक्सी टाइप का नहीं है, बट या सिंगल सीट आपको देखने मिलती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी दिए गए, इवन जैसे नीचे का फ्लोर बोर्ड है वहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया है जहाँ पे आप अपने टूल्स वूल्स जो जो चीज़ें रखते हैं वो रख सकते हैं। आपको बार बार अंडर सीट स्टोरेज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लोर बोर्ड पे ही टूल बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इवन NFC भी दिया गया है, NFC के थ्रू आप बिना की के भी इस गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इस गाड़ी को कीलेस एंट्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे यामा भी अपनी एक ऐप डाउनलोड कर रहा है इंडिया के लिए, जिसमें आप अपनी गाड़ी की लोकेशन, नेविगेशन और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीन चीज उसमें ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस एंड इसके मोटर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिड साइड मोटर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेन ड्राइव, बेल ड्राइव नहीं है, चेन ड्राइव है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, 10.30 PS की पावर आउटपुट निकालती है 3000 RPM पे, एंड जो टॉर्क है दैट इज 26 Nm का टॉर्क एट द रेट 2500 RPM में। और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हो 0 to 50 km/h की टॉप स्पीड ये 3.5 सेकंड में कवर कर लेता है, 100 km की टॉप स्पीड है, रेंज लगभग 120 km होगा इस व्हीकल का। बट अगर मैं ताइवान के प्राइस को इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 2.70 lakh rupees होता है। बट इतने प्राइस वर्ड में अगर इंडिया में लॉन्च होती तो क्या ये गाड़ी चलेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी, कंपनी को इससे कोई सस्ता वेरिएंट लाना पड़ेगा या सस्ता कुछ करना पड़ेगा। बट सुनने में ये मिल रहा है कि गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा होगा बट इसके अंदर बैटरी फिक्स्ड होगी जो इंडिया में लॉन्च होगी, बट ये ह्यूमर से बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जब तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल हिंट नहीं आता तब तक हम ह्यूमर्स पे चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमर्स अभी और यामा की तरफ से आने वाले दिवाली के टाइम पे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उस टाइम यामा कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने वाला है, क्योंकि बहुत पहले यामा के CEO ने ये चीज़ बोल चुके हैं कि 2023 के इनिशियल फेज में हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो लेट्स सी कौन सी होती है, बट हर जगह यही चल रहा है कि ये आएगी, देखते कौन सी आती है। मेरे हिसाब से अगर एग्जिस्टिंग गाड़ी को ही अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस्टिंग बहुत कम होगी, सो वो यामा के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कैसे क्या करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।